नमस्कार, मैं हूं दिलजीत कौर। आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइन पर। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के कलेक्टर के विभिन्न अनुभाग तथा परिसर का किया औचक निरीक्षण, कहा समय से करें मुकदमों का निस्तारण। महापौर की अध्यक्षता में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक, शहर के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा, निर्माण कार्यों के प्रगति पर जताया असंतोष। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू वाहिनी और गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सदस्यों ने SSP से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिला सहकारी बैंक के सदस्य पद के चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 10 तारीख को होगा वोटिंग। IGRS के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के संबंध में पुलिस लाइन में हुई बैठक, अधिकारियों ने दी इसकी बाबत जानकारी। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने की गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की चल रही हड़ताल पर लगा विराम, लेकिन महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जारी रहेगा विरोध। शिवराष्ट्र सेना के सदस्यों ने केरल सरकार का फूका प्रतीकात्मक पुतला। सफाई कर्मचारी पर दर्ज मुकदमा को वापस किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। शकुशल संपन्न हुई दो केंद्रों पर चल रही उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी ITI लिखित परीक्षा। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं का मानदेय को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक हुई संपन्न। तेज आंधी में बिजली के तार पर गिरा पेड़, विद्युत व्यवस्था हुई बाधित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल को दिया जांच का आदेश। और अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों तथा परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि चकबंदी के मुकदमे भी ऑनलाइन दर्ज किए जाएं, पुराने मुकदमों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए और परिसर में साफ सफाई के उचित प्रबंध किए जाएं। जिलाधिकारी ने उप संचालक चकबंदी न्यायालय का निरीक्षण किया। मुख्य राजस्व अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका GPF पासबुक अद्यतन नहीं पाई गई, जिस पर DM ने जिलाधिकारी सहायक CRA को चेतावनी देते हुए 15 दिनों में सभी पुस्तिकाएं अद्यतन करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने भूलेख अनुभाग, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर वित्त एवं राजस्व CRO न्यायालय का निरीक्षण किया तथा अभिलेखों का मुआयना किया। उन्होंने मंडलीय ऑडिट कार्यालय और अपने न्यायालय का भी निरीक्षण किया। DM ने प्रत्येक कर्मचारी से उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्य की जानकारी लिया तथा उनके समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, CRO बलराम सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया, नमाज़ी में कंट्रोल क्या है?
कौन बैठता है इधर? तो ये बैठे वगैरह रहती है, ये आपसे ही वहाँ जी ये किसी था आपका आप यहाँ बैठते हो जी यहाँ जी आप कंप्यूटर नहीं किया तुम? कंप्यूटर में कास्ट लिस्ट निकालो ना, इसी से करो, इसी को बस केवल चस्पा करना होता है। कर्मचारी संघ इधर भी है उधर भी है आपको वो जगह नहीं मिला है इसके अलावा? नहीं सर, ये इसी जगह है। मनोज कुमार किसी ने छुट्टी लिया भाई? देख लो राजेश जी, मनोज कुमार में नोट करो। कहाँ एप्लीकेशन है उनका? जितना अंदर चलेंगे उतना ही है। गाड़ी क्या नीचे नहीं बैठा? चले ठीक है, देखता हूँ आप क्या क्या देखते हो। मृतक का जिसमें किसी के पास पेंडिंग तो नहीं है? पास आउट करना है। आपका नाम क्या है? मृतक हो जैकेट आप सिया रहे हैं? सिया रहे पहले बगल में बैठे थे आप? नहीं किसी को किसी को ये सब बस लग रहा है। मैं बैठ से क्या निकले है उसकी वो किया है? हाँ वो हम जोड़ जोड़ दिया है किसी को। क्या रखा हुआ है अलमारी अलमारी में क्या रखे हो? ये टीके है इसी का कौन से अभिलेख है लिखा हुआ? ये चीज मिलेगा अंदर
पेंशन पत्र वाली एंट्री वेंट्री इस पे चढ़ता है मनोरंजन के लिए एक मिनट हम बैठते हैं दो साल पहले रास्ता था तो एकदम साफ खुल जाए कुछ सही हो जाएगा आगे से वहाँ पे पतला है चालू जर्जर भवन है सफेद बिल्डिंग दिख रहा है वो क्या दफ्तर है किसी का गेट से उधर जिला पंचायत किसी को अंदर रखने में तो क्या गलत दुकान कौन चला रहा है क्या किया क्या पाए देखिए कलेक्ट्रेट में तो मोइना था या रजिस्टर में मतलब हमने निरीक्षण में तो पहले जो रिकॉर्ड रूम देखा था रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम
इस पर जो तमाम जो 6 महीने से 1 साल से जो एप्लीकेशन पेंडिंग है यहाँ, पहले भी ये शिकायत मिली है, इसलिए जो यहाँ कितने लोग 2 साल से पुराना है सबको हटा दिया, करीब 15-20 लोग यहाँ से हटा करके तहसील में भेज दिए। और यहाँ कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी है, महाराजगंज जनपद का अभी भी पड़ा है, और यहाँ वीडिंग समय से नहीं हुआ है, उसको भी निर्देश दिए महाराज इनका रिकॉर्ड महाराजगंज चले जाए, और बाकी वीडिंग का भी अतिरिक्त स्टाफ लगा करके यहाँ दें, ये व्यवस्था 15-20 दिन में सही हो जाएगा। बाकी यहाँ जनरल साफ़ सफाई का बहुत कमी था, उसको तो हमने नाजिर को बता रखा था, 10 कर्मचारी यहाँ सफाई के लिए अलग लगवा दें, उसको रोज़ाना सफाई हो जाए, और नगर निगम को भी बुला रखा है सही कराने के लिए, और जगह जगह कूड़ा खबाड़ा वहाँ पड़ा है, सफाई का अभाव है। अब हमने समय दिया तो 15 दिन के बाद फिर मुआयना करूँगा, तब तक ये कूड़ा खबाड़ा सारा चीज़ हटना चाहिए, और बाकी जो कर्मचारी कौन कौन लापता है उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे आज, जो कितने लोग लापता है, बाकी जो ये निरीक्षण है ये औचक निरीक्षण है, वो लगातार चलता रहेगा। सर लोगों की शिकायत भी कुछ मिली है क्या? ये शिकायत बेसिकली इन लोगों का रिकॉर्ड रूम के संबंधित है, रिकॉर्ड रूम में इन लोग कह रहे थे 2 महीने 3 महीने 6 महीने किसी का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा था, हमने बताया तो शासन के निर्देश के हिसाब से 15 दिन के अंदर इनका रिकॉर्ड मुआयना करना चाहिए था, नहीं किए तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी का कोई कारण है, अब उसको तो गंभीरता से लिए हैं, इसलिए तो यहाँ का सारे कर्मचारी का हटा दिया, अब 15 दिन के अंदर सारे जो रिकॉर्ड वंचित रह गया वो सारे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो संबंधित। सर हल्की सी बारिश में जल जमाव जल भराव काफ़ी हो जाता है उसके लिए ना, कल शाम को 4 बजे एक मुआयना हम लोग तय किए हैं, हम नगर आयुक्त GDA जल निगम वाले सब लोग मुआयना करेंगे, जनपद का पूरा बारिश समस्या यहाँ, ताकि हल्की भी बारिश हो जाता है जल जमा हो जाता है, उसके कहाँ कहाँ पंप हाउस चालू कराना है, कहाँ कहाँ और सफाई का आवश्यकता है, उसे कल शाम को 4 बजे से 6 बजे मुआयना करके तय करेंगे, ताकि जो बारिश के पहले जो कितने नाली का सफाई होना है और पंप हाउस का चालू रखना है और जो भी व्यवस्था करना है उसको हम लोग अभी से प्रारंभ करेंगे। गुरुवार को नगर निगम के सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। बैठक में नगर आयुक्त उपसभापति सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शहर के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए चर्चाएं हुई, जिस पर कार्यकारिणी सदस्य अपने अपने विचार रखे। बैठक के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अनुरोध है कि अपनी बात शालीनता के साथ 1x1 रखेंगे, ये ना हो कि एक आदमी अपनी बात रख रहा हो तो दूसरा व्यक्ति को इस पर अधिकारी हो या मेरे पार्षद हो, सभी से निवेदन कार्रवाई शुरू करें। माननीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक दिनांक 25-18 के अनुपालन आख्या एजेंडे में जिनसे शामिल है उनको पढ़ रहा हूँ। निर्माण कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श उनको रखा गया एजेंडे में। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श, स्वास्थ्य प्रकार व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा विचार विमर्श, जलकल विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श, हर विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श, अन्य विषय जो महापौर महोदय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे जाएंगे। सारे विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, और सबसे पहले हम लोग माननीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक 18/3/2018 को संपन्न की गई थी, उसकी पुष्टि के लिए रखेंगे और फिर क्रमशः आगे के एजेंडों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिस विभाग के एजेंडे से संबंधित प्रकरण रहेगा उस विभाग के अधिकारियों को मेरे अपेक्षा है कि उसके डिटेल अपने पास में रखे हैं, उनको भी क्रम से आवश्यकता अनुसार आप बताते चलेंगे, और जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रम से प्रस्तुत सर्वप्रथम में आप जिसकी काफ़ी आप सभी लोगों के पास है। नगर निगम की बैठक इसी स्थिति में की गई थी, इसमें सभी
पार्षद अधिकारी वगैरह उपस्थित थे। अगर सब लोग संलग्नक है जिसमें निर्णय है आपका जो है कम से कहें आप देखने इसमें निर्णय सर संबंधी लिया है सर भारत मैडम इससे कम से उसमें आपका वो इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए इनको हम लोग भविष्य में ध्यान रखेंगे। जल विभाग करते हैं, जल का विभाग बनाई बना कर रही तो लापरवाही बहुत लापरवाही है। क्या तो इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्या तो हम लोग बाहर चले जाए दोनों में से, या तो पैसे को ड्राइव करिए। कोई आने धोआ नहीं है कि हम लोग प्रस्ताव देते हैं जनता को, वहाँ जाकर बताते हैं ये पानी सुविधा में जब गर्मी का मौसम है। अब मेरे वार्ड में 5 मोहल्ले ऐसे जहाँ पानी नहीं आता। ये 18 दिन में जो रखा 5 वाला सर कोई प्रस्ताव में भी था, 18 दिन वाला था, 18 दिन में भी कोई 18 दिन वाला प्रस्ताव कौन था? दो मार्टिन स्टेट पोस्ट का था, वही वाला दिखवा लेते हैं जो भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया था जो निर्णय सर्वसम्मति से खारिज हुआ था। मांगेंगे तो लोगों की पूर्ति राज्य से की जाएगी, तो उसको हमारे बोर्ड से खारिज किया गया था कि हम उस योजना में हम अपना लोन लेकर अपना पैसा नहीं देंगे। वो सर्वसम्मति से खारिज हुआ था यहाँ, जिसको कि सुप्रीम दिखाया गया प्रोसीडिंग में, प्रोसीडिंग की काफी भी है क्या तमाम देते उसमें मैंने अपने उसे में लिखा है 24 दिन से पास करवा के, लेकिन प्रोसीडिंग में सुप्रीम दिखाया गया ना, प्रोसीडिंग में सुधार कराइए ना। इसमें जो अनुपालन आख्या है उसमें चेंज है, चेंज है कल कार्य की बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में चिंता की गई है और हर वार्डों में सफाई कर्मचारी 10 से लेकर 15 तक बढ़ाए गए हैं जनसंख्या के आधार पर। दूसरा निर्णय हुआ है कि विकास के कार्यों पर जो पार्षदों को 10-10 लाख रुपए मानक बनाए गए हैं कि उनको विकास कार्य कराना है। जिन पार्षदों ने अपना निर्माण के लिए दिया है उस काम पर बहुत सारे लोगों के फाइलों का निस्तारण हो चुका है, जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। इसके अतिरिक्त आपको पेयजल की समस्या है, उसमें बहुत से सारे रिबोर भी होने हैं जो पंप चल रहे हैं उस पर अस्थायी कर्मचारी को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि समय से शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके। बड़े नाले की सफाई पर काम चल रहा है, पार्षदों ने हमारा मांग किया है कि जो छोटे नाले हैं उसकी भी सफाई कराई जाए। आज निर्णय हुआ है कि बड़े नाले की सफाई 15-20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी और शहर की जितनी भी नालियां हैं छोटी उसकी तलीझार सफाई शीघ्र ही कराई जाएगी। रात्रि सफाई और दिन की सफाई दोनों सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। एक निर्णय लिया गया है कि 11 बजे से लेकर के रात के सफाई व्यवस्था चलती रहेगी, इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा और नाइट व्यवस्था हमेशा के लिए चालू रहेगी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नीति बनाई गई है और इस पर सरकार की अनुमति मिलते ही काम शुरू किया गया है। प्रशासन से कूड़ा उठाने के लिए बहुत से सारे उपकरण मांगे गए हैं और सरकार इस पर जल्दी स्वीकृति देने वाली है। हम बड़ी संख्या में वाहन उपलब्ध कराएँ जिससे कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। ये सारी बातें हुई हैं और इस पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। आज हमारे यहाँ अधिकारी आए हैं लखनऊ से, जो बड़े नाले हमारे साफ हो रहे हैं, गुरधोया नाला उसका भी मुआयना करेंगे। वहाँ पर 4 मशीनें हमारी लगी हैं जो 20 साल से नाले कभी सफाई नहीं हुए थे,
वो 7 किलोमीटर का है। 70% हम सफाई कर चुके हैं, 30% की सफाई एक हफ्ते के अंदर हम पूरा करेंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज से ले करके और आपके आरके विके तक पूरा नाला हमारा साफ हो जाएगा, तो उस क्षेत्र की जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। शहर में कुछ डेयरियाँ चलती हैं जिसके कारण लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से शहर से हटाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। हमारे पास फोर्स की कमी है और हमारे शासन से निर्देश आया है कि हम आउटसोर्सेज से होम गार्ड्स को ले करके और सेना के रिटायर्ड लोगों का एक टीम बनाएंगे, जो 21 आदमी की टीम होगी, जो सिर्फ अतिक्रमण ही हटाएगी, इस पर भी चर्चा हुई है और ये काम बहुत ही जल्दी पूरा किया जाएगा। सर, जो अतिक्रमण हटाने के बाद फिर सर लग जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उस पर भी सर कुछ विचार विमर्श हुआ है? अब जो हमारे पास अस्थाई अतिक्रमण टीम रहेगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जाता है दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए हमारे पास सक्षम टीम आ जाने दीजिए, आपको ये सब दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किए गए सभी कार्यों को समय से पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि विलम्ब होने पर रिवाइज इंस्ट्रूमेंट प्रस्तुत करने वाली अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नंदानगर अंडरपास पर रेलवे द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसको निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षण ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निमित्त 9 हाईस्कूल में CNDS द्वारा विद्युतीकरण हेतु धन वापस किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि धन वापस नहीं होगा और कार्यदायी संस्था ही बिजली कनेक्शन कराएगी। इनके द्वारा कैंपियनगंज में 2 राजकीय इंटर कॉलेज भी बनाया जाएगा। मंडल एवं जिला स्तरीय क्षेत्रीय कार्यशाला का निर्माण विलंबित होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। डीएम ने कचहरी तथा नौसड़ बस स्टेशन के निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष जाहिर किया। बैठक में CDO अनुज सिंह, अशोक कुमार, रामजीत प्रसाद, ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शिलान्यास समय में काम तो चलता है, हम सिलपट तो होंगे होगा अपने अपने डिवीजन हम लोग अपने पास रखे तो फिर सुरक्षित रखो, ऐसे जगह मत रखो यार उससे जल निगम उसके बाद वो वापस ले जाता है तो ले लिया लेकिन लेने के बाद सर उसको प्लेस करने की जिम्मेदारी सर संबंधित विभाग की है। जल निगम से हुई है और पेमेंट आप लोग नहीं किए हैं सर, वो जो पत्थर का उस पार्टी का पेमेंट भी बाकी है आप लोगों का। सर का एक पत्थर का बनता है 12,000 में 200 पूरा कर लिए, 3 साल पूरा हो गया, 3 पूरा हो गया। अब नया दे दीजिए सर, मेरा सबसे 2 ही 3 कौन सी पूरा हुआ है सर? 26 14 नहीं सर, जयपुर की कॉलोनी 4 नंबर सीरियल पे, 4 नंबर जयपुर हो गया। ये चंदिया वाले भी 93% हो गया था क्या वो सर? इसमें सर एक जगह पूरी चौड़ाई नहीं मिल रही है, उनसे बातचीत चल रही है, 200 मीटर बाकी रह गया किसी का, वो भी सरकार लेंगे इसमें। इसको तो फिर लोकार्पण किसने करा लिया आपने? इसका सर लोकार्पण नहीं हुआ, ये फिर लोकार्पण कर सकते हैं ना इसका? अब सर 200 मीटर कम्प्लीट हो गया था, आपके 100% दिखाए भाई इसका सर? सर ये जहाँ जहाँ हो गया वो तो पार्ट कौन सी चढ़ी रहा चढ़ रहा तो हो चुका है लोकार्पण? जी जी।
कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर गुरुवार को हिंदू वाहिनी और गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सदस्यों ने एसएसपी शलभ माथुर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने मांग संबंधित ज्ञापन एसएसपी को सौंपा। वहीं एसएसपी शलभ माथुर ने वाहिनी के सदस्यों को इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि महानगर के हजारीपुर मोहल्ले के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले शराफा व्यापारी की पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतिका इस अपार्टमेंट में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। मंगलवार को करीब 11 बजे अनुपम कुशवाहा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पत्नी नीलम को देखा और नीलम के घर वालों को फोन करके घटना की जानकारी दी। परिवार वाले आनंद फानन में नीलम को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के भाई ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है। ये मर्डर है कि सुसाइड है, आकाश अलग ठीक है, उसमें पीएम रिपोर्ट भी आ चुका है। पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग आया है, स्पेशली आया है। अच्छा ठीक है, हैंगिंग जो है किसी को मार के भी टांगा जा सकता है और कोई को सुसाइड ही कर सकता है, दोनों तरीके कर जी। सबसे पहले तो हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि ये 306 है कि 306 है तो 306 के हिसाब से कार्रवाई होगी, 302 है तो 302 302 सर रजिस्टर्ड हो चुका है। नेशनल मृत्यु नहीं, इसलिए अननेचुरल डेथ के तहत आपकी एफ आई आर कायम होगी। अब सर 302 होगा तो 302 के अंदर दोषी दिए जाएंगे और 306 होगा तो 306 के अंदर। मर्डर के केस के अंदर अगर आदमी ने मर्डर किया है तो उसकी लोकेशन वहाँ होनी चाहिए और उसकी बॉडी पे इस तरह की छोटे प्रमाणित मार के टांगने की पुष्टि होनी चाहिए। 306 के अंदर जरूरी नहीं है कि आदमी वहाँ पर मौजूद हो, अगर उसकी प्रताड़ना से भी किसी की मृत्यु हुई है तब भी वो 306 सुसाइड के अंदर जाए। इस चीज को एस्टेब्लिश करने में अलग-अलग पैसे देने का आरोप जो आप लगा रहे हैं ये प्रकरण मेरी जानकारी में है ठीक है, और आप लोग भी मिले हैं, वो लोग भी मिले, हमने ये बोला है कि जो तथ्य होंगे तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी ठीक है। आपने कहा 302 की तहरीर थी, 302 कायम होगी, हमने आपको ये तो बोला ही, आपने अपना काम किया, हमारा अपना काम किया ठीक है। ठीक है, कराने जी उसमें जो भी बिल्कुल कराएंगे, अभी नहीं। पूरा मामला ये है कि उसकी शादी अनुपम कुशवाहा से हुई थी। किसकी शादी? नीलम कुशवाहा की, लेकिन मैका उसका कुशवाहा वार्ड का माया बाजार में है और वो शादी 10 साल हो गया। ये 2 साल से किसी दूसरे औरत की चंगुल में फंसा हुआ था, बार बार उसको मारता था, पीटता था, सब कुछ करता, कई बार सूचना इसको हम लोग पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में उसको एक बार 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 धमकी देता था कि हम मार डालेंगे, उसके बाद ही बीवी रखेंगे और दूसरी बीवी रखेंगे, बार बार ये कहता था। उसके बाद जिस औरत का हम लोग ने नाम दिया उसको कोतवाल साहब ने डायरेक्ट आए नाम काट कटवा दो नहीं तो हम तुम लोग को भी उसमें औरत से फयार करा के फंसा देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, उसकी हत्या हो गई, डॉक्टर ये बोल रहा है कि फांसी लगाई है और डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उसमें फांसी नहीं है, गले को खींच के दबाया गया, मुलजिम पकड़ाया। कोतवाल साहब कह रहा है कि हम जब पूरा साबुत जुटा लेंगे तब गिरफ्तार करके जेल में पकड़ा हुआ मुलजिम को उन्होंने छोड़ दिया। दो दिन बैठाने के बाद छोड़। आज क्या मांग किए हैं सर? आज हम लोग मांग किए सर, जब धारा लिखा गया तो कोर्ट में फाइनल होगा, जब मुलजिम पकड़ा गया तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई सब कुछ, फिर दोबारा पकड़ने की क्या बात है, तो कोर्ट में चला करते रहिए, जेल में जाएगा। लेकिन कहने विवेचना करने बाद रिपोर्ट लगा के तब सारी बात हम करेंगे, सारी सबूत जब मिल जाएगी तो क्या करेंगे। अब कह रहे हैं कि सीओ साहब बोले, सीओ साहब बोलने के बाद हम लोग को छोड़ा गया है। तो क्या मांग किए हैं? मांग हम किए, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी
तो हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और यहाँ से लखनऊ तक आंदोलन करेंगे, उसके सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। 28 अप्रैल से चल रहे जिला सहकारी बैंक के चुनाव प्रक्रिया के तहत गुरुवार को 20 प्रत्याशियों ने सदस्य पद के लिए नामांकन किया। चुनाव अधिकारी विधान जायसवाल और उप चुनाव अधिकारी अजीत कुमार जायसवाल के देखरेख में नामांकन प्रक्रिया गुरुवार की सुबह 10 बजे से आरंभ होकर शाम 4 बजे तक चला। आपको बताते चले कि शनिवार को पर्चा वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी, वहीं सदस्य पद की वोटिंग इसी माह के 10 तारीख को होगा। इसी क्रम में 11 तारीख को चेयरमैन पद का भी चुनाव होगा। सरकार ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था IGRS की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कोई भी शिकायतकर्ता संबंधित विभाग के बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और जिसका निस्तारण भी शीघ्रता से करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के अंतर्गत IGRS की एक कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें IGRS से प्राप्त शिकायतों के बारे में इंस्पेक्टर ब्रिजेश सिंह ने उपस्थित पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम आलोक वर्मा ने बताया, अपने यहाँ 10 दिन ही मानिए, जो भी दरखास्त आपके स्टाफ से शो कर रही है उसको आप 15 दिन न मान के चले, 10 दिन माने आप लोग कि 10 दिन में इसकी जांच आख्या IGRS सेल में पहुंचवा देंगे, तो 10 दिन जो है मैं जांच आख्या IGRS सेल में पहुंच जाएगी। तो इस बिंदु पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, कहीं से निगेटिव असंतुष्ट फीडबैक न होने पाए। नंबर तीसरे पे है माधव प्रसाद द्विवेदी जी, ये जो है ग्रामीण दक्षिणी के नोडल बनाए गए हैं, इन सब हम लोगों का जो है मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, सरकारी मोबाइल नंबर अभी हम आपको आप लोगों को बताएंगे अगले आदेश में है, कप्तान साहब ने निर्गत किया है उसको भी बताते हैं आप लोगों को कि ये सरकारी मोबाइल नंबर दिए गए हैं। हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि जो भी थानों से जांच आख्याएं आई हैं उन आवेदकों से जो है इस नंबर से जो है फीडबैक लिया जाए कि जो थाने से जांच आख्या उपलब्ध कराई गई है, जांचकर्ता जो है आप उनसे संपर्क किए हैं कि नहीं, आपके मौके पर गए थे कि नहीं गए थे, आपसे उनकी वार्ता हुई है कि नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं हमारे मामले में ये फला जांचकर्ता नामित है, यहां तक व्यवस्था। संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। IGRS सेल में नियुक्त निरीक्षकों के संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं, प्रतिदिन डैशबोर्ड को चेक करेंगे, समस्त लंबित ऑनलाइन संदर्भों को जांच हेतु प्रेषित कराएंगे, पड़ी सहित आख्या तैयार कराकर मेरे अथवा नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरों उपरांत समय से अपलोड कराएंगे। इच्छा की बस एक मंशा है कि किसी भी कीमत पे जो आख्या अपलोड करा दी जाए वो वापस न आए, वापस मतलब दोबारा कार्यभार न पड़े। तीसरा है प्रतिदिन संदर्भों को चेक करेंगे कि कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर न होने पाए तथा डिफॉल्टर होने के पूर्व ही संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को अवगत कराते हुए समयबद्ध रूप से आख्या प्राप्त कर प्रेषित कराएंगे। इसके उपरांत भी यदि जांच आख्या के प्राप्त होने में विलंब होता है तो प्रभारी नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे, नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित जांचकर्ता अधिकारी से वार्ता कर समयबद्ध रूप से आख्या प्राप्त कर अपलोड कराई जाएगी। मोस्ट प्रायोरिटी इसमें आवेदक को दी गई है, जो भी उसकी शिकायत है उसके सापेक्ष जो जांच आख्या आई है उस जांच आख्या से उसको अवगत करा के तब अपलोड किया था, ताकि वो उस अपनी जांच आख्या से वो संतुष्ट रहे, उसको ये पता रहे कि हमने जो दरखास्त दिया था उस दरखास्त पे ये जांच आख्या अपलोड कराई। कार्यशाला का उद्देश्य जो IGRS ग्रीवेंस रिडक्शन सिस्टम है, इसमें जो उससे संबंधित कर्मी है जो IGRS का कार्य करते हैं उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना,
जो जांच है उसकी गुणवत्ता में को इम्प्रूव करना और सभी को प्रॉपरली ट्रेन करना, यही इसका उद्देश्य है, इसी हेतु ये कार्यशाला है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइन पर। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के कलेक्टर के विभिन्न अनुभाग तथा परिसर का किया औचक निरीक्षण, कहा समय से करें मुकदमों का निस्तारण। महापौर की अध्यक्षता में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक, शहर के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा, निर्माण कार्यों की प्रगति पर जताया असंतोष। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू वाहिनी और गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सदस्यों ने SSP से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिला सहकारी बैंक के सदस्य पद के चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 10 तारीख को होगा वोटिंग। IGRS के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के संबंध में पुलिस लाइन में हुई बैठक, अधिकारियों ने दी इसकी बाबत जानकारी। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने की गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की चल रही हड़ताल पर लगा विराम, लेकिन महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जारी रहेगा विरोध। शिवराज सेना के सदस्यों ने केरल सरकार का फूका प्रतीकात्मक पुतला। सफाई कर्मचारी पर दर्ज मुकदमा को वापस किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। शकुशल संपन्न हुई 2 केंद्रों पर चल रही उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी ITI लिखित परीक्षा। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं का मानदेय को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक हुई संपन्न। तेज आंधी में बिजली के तार पर गिरा पेड़, विद्युत व्यवस्था हुई बाधित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल को दिया जांच का आदेश। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। 3 मई को पूरे विश्व में विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन पत्रकारिता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित अपने अधिकार क्षेत्र को आज ही के दिन इस पर चर्चाएं होती हैं और इसे परिभाषित भी किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजीव दत्त पांडे और डॉक्टर मुमताज खान ने अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखा। आज वर्ल्ड प्रेस डे है, अखबार वर्सेज सोशल मीडिया कितना सही है, क्या है, आप इसके बारे में जरा बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको इस अवसर पे ढेर शुभकामनाएं दूंगा, अपने दूसरे साथियों को भी शुभकामनाएं दूंगा। दूसरे आपका जो सवाल कि सोशल मीडिया बनाम अखबार, तो ये कोई संघर्ष इनफैक्ट नहीं है। समझना की ज़रूरत ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं जो सोसाइटी के प्रति बहुत प्रतिबद्ध लोग हैं, वहाँ बहुत सारे अनट्रेंड लोग हैं, असंगठित रूप से काम करने वाले लोग हैं, अभी वहाँ बहुत मैच्योरिटी नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर वहाँ कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो सच नहीं होता,
कई बार हम बहुत पुराना वीडियो शेयर होते देखते हैं, बहुत ही दूसरे संदर्भों में कंटेंट शेयर होते देखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अखबार आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं और भविष्य में भी बनाए रखेंगे, क्योंकि अखबार में काम करने वाले मैक्सिमम लोग ट्रुथ ट्रेलर हैं, सत्य बोलने वाले हैं। वहाँ जो छपता है पब्लिक को उस पर यकीन होता है, उस पर भरोसा होता है। वो सोशल मीडिया पे कुछ भी देख ले, किसी भी माध्यम के जरिए देख ले, लेकिन उसको भरोसा अखबार की ही चीज़ों पर होता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को लोगों के बीच में बहुत जिम्मेदार पोजीशन अख्तियार करने में काफ़ी वक्त लगेगा। आप ये बताइए, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी कुछ होती नहीं है किसी के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार की ओर से कुछ सख्त नियम चाहे कुछ इस तरह के कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया को अंकुश लगाने के लिए? देखिए, सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए सरकार ने हाल के दिनों में काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। बहुत सारी निगरानी हो रही है, शिकायतें होने पर FIR दर्ज होती है। अभी पिछले दिनों महाराजगंज का एक वाकया सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया का एक वीडियो देख करके FIR दर्ज हो गया। वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी सोसाइटी में अपनी एक हैसियत रखता था, लेकिन वो एक बहुत ही शर्मनाक वाकई में गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया। उसमें पुलिस की लापरवाही भी दिखाई दी कि उन्होंने उसकी पड़ताल नहीं की। तो इन सब वारदातों से पुलिस भी सबक ले रही है, और उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब पे निगरानी रखनी शुरू की है, और जहाँ शिकायत होती है वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एक्शन भी हो रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी स्वतंत्र है हमारी मीडिया या देश की मीडिया? देखिए, जो आज हमारा विश्व या अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है, बहुत जैसा कि इसको देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, तो ये बहुत पहले 1991 में इस बात को जब सोचा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और करते करते 1993 में 3 मई को ये दिवस मनाया जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया गया। दरअसल ये क्यों किया गया, इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी था, और वो मकसद ये था कि जो जर्नलिज्म है उसको कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इस स्वतंत्रता के उल्लंघन पर उन्हें किस प्रकार से अंकुश लगाया जाना चाहिए, ये मुख्य इसका उद्देश्य है। और उसमें तरह तरह के निर्णय भी हैं कि किस तरह से उसको, उसकी काट छाट की जाए, किस तरह से उन पर अंकुश लगाया जाए, किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये सारी चीज़ें हैं। आज विश्व के तमाम देशों में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ना है या हत्याएं हैं वो ये जो पत्रकार जगत है उससे जुड़े लोगों की होती हैं और हो रही हैं। भारत देश में भी लगातार इस पर अगर इस आंकड़े को जुटाया जाए तो 10 वर्षों में तो हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई हैं, प्रताड़ित किए गए हैं, और लोगों को तरह तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कहने का आज के दिवस पे कि हमें ये जानना होगा कि हमारी जर्नलिज्म को कितनी फ्रीडम है, हमारे प्रेस को कितनी फ्रीडम है। जब हम ये जान लेंगे तो निश्चित तौर से जो समाज में विसंगतियाँ बनती हैं, सामंजस्य का बिगड़ाव होता है, वो नहीं हो पाएगा। और ये विश्व स्तर पे इसकी चिंता 1993 में कर दी गई थी, तो इसके पीछे एक बड़ी मंशा है, और उस मंशा का हमें ध्यान रखना होगा, तब जाकर के ये दिवस की सार्थकता हो पाएगी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की चल रही हड़ताल पर गुरुवार को विराम लग गया। मुख्यमंत्री की पहल पर अब माह के प्रत्येक दूसरे और चौथे सोमवार को सभी SDM मुख्यालय पर बैठेंगे और मुकदमों का निस्तारण करेंगे, लेकिन अधिवक्ताओं ने इस फैसले पर असंतोष जताते हुए माह के पहले सोमवार को कार्य से विरत रहने और तीसरे सोमवार को काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के महामंत्री रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। अधिवक्ता की मांग थी कि वर्षों पुरानी चल रही व्यवस्था को लागू रखा जाए और प्रत्येक सोमवार को सभी तहसीलों के SDM जिला मुख्यालय पर मुकदमों का निस्तारण करें, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर सिर्फ एक वर्ष के लिए दूसरे और चौथे सोमवार को SDM को जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहकर मुकदमों के निस्तारण करने की बात कही गई है, जिस पर अधिवक्ता में असंतोष व्याप्त है, जिसको लेकर अधिवक्ता माह के पहले सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तथा तीसरे सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे।
शिवराष्ट्र सेना के सदस्यों ने गुरुवार की शाम शास्त्री चौराहे पर केरल सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। सेना के सदस्यों का कहना है कि केरल सरकार द्वारा साध्वी सरस्वती पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो हिंदू विरोधी कार्य है। उन्होंने कहा कि देश की जनता हिंदू विरोधी सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर शिवराज सेना के प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार, अंकित शर्मा, संजय गुप्ता, सुधीर गौड़, सूरज अभिनंदन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिवराज सेना के प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार ने कहा, केरल सरकार मुर्दाबाद, केरल सरकार मुर्दाबाद, केरल सरकार मुर्दाबाद, 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 केरल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केरल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साध्वी सरस्वती जिंदाबाद, 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 साध्वी सरस्वती जिंदाबाद, 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 साध्वी सरस्वती जिंदाबाद। आज हम लोगों ने केरल सरकार का पुतला फेंका है। अभी हाल ही में हम सबकी मार्गदर्शक साध्वी सरस्वती जी का कार्यक्रम था केरल सरकार में, जहां पे हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जिससे कि सरकार की नींद उड़ गई थी और उन्होंने लव जिहाद के मामले में वहां पे मंच से हिंदुत्व को जागरूक होने के लिए भाषण दिया था। इसी को देखते हुए वहां की वामपंथी सरकार ने साध्वी सरस्वती जी पर केस किया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने गोरखपुर से ये पुतला फूकने का कार्यक्रम और जन आंदोलन का कार्यक्रम अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई प्रांतों में शिवराज सेना इसका जन आंदोलन करने के लिए तैयार है, अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं वामपंथी सरकार केरल सरकार। अपने साथ ही सफाई कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को वापस लिए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा विकास भवन परिसर में दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, लालजी गौतम, राजू सिंह, नरेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, पिंटू कुमार सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा, हम क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हमारा उड़वा ब्लॉक का सफाई कर्मचारी आदित्य सिंह जो निर्दोष है, जिसको एडीओ पंचायत ने अनायास रूप से, दुश्मनी किसी और से उनकी थी, क्या मामला था ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने को बचने के लिए, सफाई कर्मियों को बदनाम करने के लिए सफाई कर्मचारी का नाम लगा दिया कि विकास भवन में सफाई कर्मी ने हमको मारा, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। जो पुलिस विभाग द्वारा जो जाँच की गई है, अभी अभी सफाई कर्मचारी संगठन हम और अखंड प्रताप सिंह यादव ने सी डी ओ साहब से भी मिले, SSP से भी मुलाकात हुई, DM साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन जो जांच पुलिस विभाग की आई उसमें आदित्य सिंह, जिस समय विकास भवन में घटना घटी, तमाम CC कैमरे ये बता रहे हैं कि आदित्य सिंह उस समय उर्वा ब्लॉक में थे, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे साथी के ऊपर 307 का मुकदमा लगा के उसे जेल में डाल दिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से, हमारे निर्देश साथी के ऊपर से सारे मुकदमे हटा करके उसको बरी किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन लगातार जारी है। आदरणीय CDO साहब से बात हुई और परम आदरणीय खजने के विधायक जी अभी हमारे बीच में आए थे, वो अभी उन्होंने भी समर्थन किया कि मैं आपके इस मुद्दे को लेकर, कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर के आदित्य सिंह के पक्ष में मैं आदरणीय DM साहब और CDO साहब से मिल करके, पुलिस विभाग के आला अफसरों से मिल करके मैं इस पर कार्रवाई करवाता हूँ और आपके पक्ष में न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी ITI लिखित परीक्षा विद्यालय के व्यवस्थापकों द्वारा कड़ी निगरानी में सकुशल संपन्न हुआ। मियां साहब इस्लामी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे विभिन्न मदरसों से कुल 178 परीक्षार्थियों में से 151 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 27 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में मदरसा अंजुमन खूनीपुर, मदरसा जामिया राजवे मिराजुल उलूम चिल्मापार, दारुल उमन हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाजार और नूरिया खैरिया बघई भारी पीपीगंज से कुल पंजीकृत 44 परीक्षार्थियों में से 34 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 10 अनुपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक जफर अहमद खान और परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने कहा, हमारे
मदरसा मिनी आईटीआई और पेपर बहुत अच्छा हुआ है और इस वक्त जो सेकंड टाइम में जो पेपर हुआ है वो ड्राइंग पेपर हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और बहुत हम लोग मेहनत किए थे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये मिनी आईटीआई का जो है ड्राइंग पेपर था और बहुत मेहनत से हम लोगों ने दिया और काफ़ी टाइट थी सिचुएशन, गार्डिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रही थी और जो भी चीज़ें थी सबको हम लोगों ने फॉलो किया और हम लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट हम लोगों को दे ताकि हम लोगों ने जो मेहनत किया उसका फल दिखाई दे, उसको वैल्यू दे, अप्रूव करे। आज विगत कई दिनों से जो अरबी फारसी बोर्ड उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जो चल रही थी उन परीक्षाओं में मिनी आईटीआई की परीक्षा का आज अंतिम दिन था। दोनों मीटिंग में आज परीक्षा हुई है और दोनों मीटिंग मिला करके 178 स्टूडेंट्स आज इनरोल्ड थे जिसमें से 27 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे और कुल 151 परीक्षार्थियों ने आज परीक्षा दी है। परीक्षा सुचारू रूप से शुचिता के साथ और पवित्रता के साथ और नकल विहीन परीक्षा आज संपन्न हुई और सरकार की मंशा के अनुरूप परीक्षा कराने में हम सफल रहे। आज ये परीक्षा जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन गीतांजलि मौर्य की अध्यक्षता में मंदिर को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आई आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को एकजुट करने की रणनीति के बारे में चर्चा किया। प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और मानदेय बढ़ाने के संबंध में रणनीति पर चर्चा किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानदेय बढ़ाने को लेकर 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आगमन पर सहायिकाएं मुख्यमंत्री से मिली और मानदेय को बढ़ाने के लिए उन्हें पत्रक सौंपा था। बैठक में मालती देवी, बिंदु वर्मा, सपना सिंह, गीता पांडे सहित अन्य ब्लॉक से आई सहायिकाएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन गीतांजलि मौर्य ने कहा, सभी ब्लॉक के अध्यक्ष और जिला कमेटी सबको आमंत्रित है। इसका रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार को सोचे, दो चार पॉइंट पे बहुत सहमति नहीं बनी है लेकिन बाकी टिप्पणी है, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों की मतलब जो मरीज हो गया 2018 में सब लोग सतर्कता ले लें, हर ब्लॉक अध्यक्ष ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिम्मेदारी समझते हुए और सभी जो भी ब्लॉक की सभी कमेटी के मेंबर्स हैं सब लोग इस जिम्मेदारी को समझे। ये नहीं कि ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, ये नहीं कि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है और सब लोग यहाँ जितने भी लोगों को बुलाया जाता है साथ में कोई और आए बिना पद के आए वो भी उसका भी बहुत सम्मान। किस संस्था का ये? ये आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की आज बैठक है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय चूँकि बहुत कम है जिसके लिए लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ आंदोलनरत हैं और इसको लेकर के आंदोलन को लेकर के और हमारे तमाम मांग पत्रों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए APC की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, तो जिसके रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा थी कि APC की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही सरकार कुछ इस निर्णायक स्थिति में पहुँचेगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य के आधार पर उनको कितना पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, तो इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी और वो 27 अप्रैल को ये बैठक हुई है जिसमें हम सब लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। हम आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य हैं और हम भी उस APC की कमेटी में मेरा भी नाम था, हम भी वहाँ बैठे थे और वहाँ बैठने पर हम सब लोगों की सहमति से अपने मांग पत्र पर पूरी सहमति बनी जिसकी रिपोर्ट बन गई है। लगभग
कि इस रिपोर्ट की प्रक्रिया 90% पूरी हो चुकी है और अब वो मुख्यमंत्री के पास जाएगा और बस इतनी प्रतीक्षा है कि मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद वो घोषणा करेंगे और वो घोषणा को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो कहाँ करेंगे, इस चीज को लेकर के हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं। अभी मानदेय का निर्णय मुख्यमंत्री जी करेंगे। एपीसी की रिपोर्ट भेजनी थी, एपीसी की रिपोर्ट अपने मांग पत्रों को लेकर के कि जो हमारा मांग पत्र है वो कहाँ तक मानने योग्य है, कहाँ तक मानने योग्य नहीं है, इसलिए उसकी मीटिंग करनी जरूरी थी और वो बैठक हुई, उसमें समीक्षा हो गई। अब वो रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट के अनुसार अब मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मांगे बढ़ाएंगे। मतलब कुछ जनपद के सभी ब्लाकों से ब्लाक की कमेटी यहाँ उपस्थित हुई है और जिला की कमेटी उपस्थित है। बुधवार की रात आई अचानक आंधी और तेज बारिश से उपचारिका प्रशिक्षण केंद्र परिसर में पीपल के पेड़ की डाली टूटकर गिरने से बिजली के तार टूट गए, जिसकी वजह से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई। तड़के सुबह विद्युत अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय निवासी और जेई बख्शीपुर ने कहा, रात के अंदर से ये सब नुकसान हुआ है। तार साथ टूट गई, जर्जर तार और ये पेड़ सूखी हुई थी, तारी टूट के दुकान पे गिर गई, तीन सेट और मेरा ये तार केबल सब नुकसान हो गया। तो इसमें क्या क्या टूटा हुआ? इसमें गेट में गिरा, गेट पे थोड़ा नुकसान हुआ और ये सारे तार केबल जितनी दुकान की केबल से सब टूट गई। ये एक्चुअली रात में बहुत तेज आंधी आई थी, तो आंधी के कारण जो है ये नर्सिंग हॉस्टल के सामने इसके परिसर में एक बहुत सूखा पुराना सूखा पेड़ था, तेज हवा और तेज आंधी होने के कारण वो टूट कर गिर गया। गिरने के उपरांत जो है लाइन डेड हो गई, ट्रिप कर गई वहाँ से, फिर तत्काल हमारे आदमी और मैं खुद लग करके इसकी पेट्रोलिंग किए। सूचना मिली आते ही हम लोग इसकी बाकी लाइन खोल करके यहाँ की आगे की लाइन चालू कर दिए, इस पर काम शुरू कर दिया गया। तो कब तक सही होने को? बस एक घंटे में चालू हो जाएगा। अन्य सभी लाइनें चल रही हैं, बाकी केवल जहाँ पेड़ गिरा है वही बाधित है, बाकी सारी लाइनें चल रही हैं। बीते कई दिनों से विवादों में चल रही गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के जिलाधिकारी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चले कि जेसीए के सचिव और संयुक्त सचिव पर ट्रायल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप खिलाड़ियों और अन्य संस्थाओं ने लगाया था। आरोप यह है कि खिलाड़ियों से फिटनेस टेस्ट और ट्रायल के नाम पर धन उगाही किया जाता है, जिसकी शिकायत खिलाड़ियों द्वारा जिला अधिकारी से की गई और जिलाधिकारी ने क्रीड़ा अधिकारी को निष्पक्ष जाँच के लिए सौंप दिया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों से मिलकर सच्चाई की जांच की जाएगी, जिसमें लगभग 5 से 7 दिन का समय लग सकता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर मंडल अरुणेंद्र कुमार पांडे ने कहा, अब कुछ खिलाड़ियों की शिकायत है कि उनको बिना सूचना दिए ट्रायल ले लिया गया, जिसकी उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि इसकी जांच कर उनकी आख्या दें। वो एक ऑल इंडिया संघर्ष क्रिकेट संघर्ष समिति बनी है, उनके उनके जरिए उनके उन्होंने अपने लेटर पैड पर यह शिकायत की है और उनसे संपर्क करके दोनों पक्षों से बात करके तत्काल जांच करके इस पर जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो कब तक ये संभव हो जाएगा सर? अब समय तो तत्काल बताना संभव नहीं है, क्योंकि जिनसे अभी संपर्क किया गया कुछ लोग बाहर हैं जो शिकायत करता है, उनके आने के बाद ही इस पर बातचीत हो पाएगी, फिर भी 4-5 दिन का समय तो चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते चलते ही डालते हैं आप तक की हेडलाइन पर। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के कलेक्टर के विभिन्न अनुभाग तथा परिसर का किया औचक निरीक्षण, कहा समय से करें मुकदमों का निस्तारण। महापौर की अध्यक्षता में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक, शहर के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा, निर्माण कार्यों के प्रगति पर जताया असंतोष। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू वाहिनी और गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सदस्यों ने एसएसपी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिला सहकारी बैंक के सदस्य पद के चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 10 तारीख को होगा वोटिंग। आईजीआरएस के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के संबंध में पुलिस लाइन में हुई बैठक, अधिकारियों ने दी इसकी बाबत जानकारी। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने की गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की चल रही हड़ताल पर लगा विराम, लेकिन महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जारी रहेगा विरोध। शिवराष्ट्र सेना के सदस्यों ने केरल सरकार का फूका प्रतीकात्मक पुतला। सफाई कर्मचारी पर दर्ज मुकदमा को वापस किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। शकुंसल संपन्न हुई दो केंद्रों पर चल रही उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी आईटीआई लिखित परीक्षा। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं का मानदेय को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक हुई संपन्न। तेज आंधी में बिजली के तार पर गिरा पेड़, विद्युत व्यवस्था हुई बाधित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल को दिया जांच का आदेश। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।